नमस्कार, ये नमो पत्रिका का पहला वीडियो है और हम आपसे वायदा करते हैं ये पहला है, आखिरी नहीं। और इस वीडियो के जरिए हम कुछ खुलासा करना चाहते हैं, हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई जो एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं पिछले 13 सालों से, जो एक साजिश चला रहे हैं पिछले 13 सालों से, जो मोदी जी को निशाना बना रहे हैं पिछले 13 सालों से, सिर्फ एक साजिश के तहत, एक प्रोपोगंडे के तहत। ऐसे ही कुछ लोगों की आज हम खुलासा करना चाहते हैं। जब कल तिमाही नतीजे निकले जीडीपी के, तो आया कि भारत की जो जीडीपी है 7.3% को छू गई। पिछले 5 सालों में ये भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था, लोग खुश थे। पूरी दुनिया आज कह रही है भारत की इकोनॉमी सुधर रही है, भारत की जो जीडीपी है अगले एक साल में 2015-2016 में चाइना को क्रॉस कर जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, ये मूडी ने कहा है और दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमिक संस्थाएं हैं वो ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाई छूने वाला है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में जो इकोनॉमी सुधरी है, हर व्यक्ति को गर्व महसूस होना चाहिए था, हर व्यक्ति को एक खुश होना चाहिए था, हर देशवासी को। लेकिन फिर भी इस पॉजिटिविटी की न्यूज को किस तरीके से निगेटिव करके दिखाया जाता है कुछ इंस्टीट्यूट्स द्वारा, कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा, कुछ ऐसे लोग जो मीडिया के नाम पे धंधा चला रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो मीडिया को बदनाम कर रहे हैं, किस तरीके से न्यूज दिखाई मैं बताना चाहता हूं। मैं फेसबुक पे कल सर्फिंग कर रहा था तो अचानक मेरी न्यूज नजर पड़ी एक अपडेट पे, द हिंदू, द हिंदू का ये फेसबुक पेज है, उस पे ये अपडेट आई, इंडियन इकोनॉमी ग्रू बाय 7.3% ड्यूरिंग 2014-2015 द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर प्रेसाइडेड ओवर बाय मोदी गवर्नमेंट, फेलिंग टू ओवरटेक चाइना इज वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। जबकि मूडी और वर्ल्ड बैंक का जो कहना था कि चाइना की जो हम जीडीपी को क्रॉस करेंगे वो 2015-2016 का था, कोई भी व्यक्ति गूगल करके देख सकता है। क्या इतने बड़े मीडिया हाउस को ये नहीं पता था? इसका मतलब अब जानबूझ के इसको साजिश चला रहे हैं। और जो जीडीपी पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की, उसको आप इस तरह से निगेटिविटी करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना को ओवरटेक करने में फेल हो गई। आप इनकी न्यूज का जो हेडिंग देखेंगे, दिखाना चाहता हूं, इंडिया जीडीपी ग्रोस बाय 7.3 बट फेल्स टू ओवरटेक चाइना। तो किस तरीके से इस पॉजिटिव न्यूज को एक निगेटिव दिखाने की कोशिश की गई। और अब ये हिंदू है जिसमें आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हर दूसरे दिन एक निगेटिविटी से भरी न्यूज आती है, इनका एजेंडा क्या है, क्या कारण है कि इतना जहर ये उगल रहे हैं? तो इसके हमने पता किया जी कौन है इसके पीछे, क्या चल रहा है। तो इसके जो एडिटर इन चीफ थे जो 2 साल पहले और जो आज की डेट में चेयरमैन है कस्तूरी ग्रुप के, हिंदू को जो चलाता है कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड, इसको चलाता है कस्तूरी एंड सन्स के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, ये मिस्टर एन राम, ही इज चेयरमैन ऑफ कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड, ये उनकी ट्विटर प्रोफाइल है जहां उन्होंने ये लिखा हुआ है। बाकी भी उनकी जो जो कंपनियां हैं, जो भी वो चीज करते हैं, वो सब कुछ लिखा हुआ है। और मिस्टर एन राम के मैं कुछ और आर्टिकल्स आपको पिछले 2-3 साल में उन्होंने कहीं जहर उगला है मोदी जी के खिलाफ, लेकिन और क्या क्या आर्टिकल्स है, कुछ हमने 3-4 चुनिंदा आर्टिकल्स को चुना, तो हम देखते हैं वो क्या है। नरेंद्र मोदी एंड वाई 2002 कैन नॉट गो अवे, मोदी हैज अ नॉलेज डेफिसिट फॉर अ पॉलिटिशियन, और एक साल की सरकार होने पे जब पूरी दुनिया मोदी जी की सराहना कर रहा था, पूरा देश कह रहा था कि भारत को गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री उन्हें मिले, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने बोला कि दुनिया भर के नेताओं, दुनिया भर को आपके जैसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे में एन राम ये आर्टिकल लिख के हिंदू में कहते हैं मोदी फेल्स स्कोर ऑन कोर इश्यूज, आप एक साजिश चला रहे हैं। और ये साजिश हमें क्यों लगती है, देखिए ये जो सरकार है ये 121 करोड़ भारतीयों की सरकार है, जो मोदी जी प्रधानमंत्री है वो 121 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री है। अगर कोई चीज वो गलत करते हैं
अगर कोई पॉलिसी गलत होती है तो देश के हर व्यक्ति को उसको क्रिटिसाइज करने का हक है और क्रिटिसाइज करना भी चाहिए। हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसको सलाम करेंगे। लेकिन अगर आप एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, जो पिछले 13 साल से आपने एजेंडा चलाया है, प्रोपोगंडा किया है, अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे तो वो हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम उसका खुलासा करेंगे और हम आपको एक्सपोज करेंगे आप किस कारण से ये कर रहे हैं। तो मिस्टर एन राम के हमने ये वो दिखाए। अब मिस्टर एन राम की कुछ हमने क्या उनके पीछे है जानने की कोशिश की। इसमें हमारी हेल्प की एक सत्यमेव जयते फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, उन्होंने हमारी हेल्प की डॉक्यूमेंट जुटाने में, और उसके बाद हमने खुद से इसको गवर्नमेंट के पेपर्स पे वेरीफाई किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी वेबसाइट पे जाके हमने ये प्रूफ किया। इनकी एक कंपनी है TNQ बुक एंड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका CIN नंबर है, ये इसके DIN नंबर है। इसके डायरेक्टर्स हैं मिस्टर राम नरसिम्हन, जो एन राम का फुल नेम है। नाम इनका राम नरसिम्हन है, बेशक ये काम रावण जैसे करते हैं। इनकी वाइफ का नाम है मरियम राम, ये भी इस कंपनी की डायरेक्टर है। तो ये कंपनी चलाते हैं TN की बुक एंड जर्नल, जिसके डायरेक्टर हैं। अब इनकी प्रोफाइल में एक बार हम दोबारा आते हैं। इस प्रोफाइल में इन्होंने लिखा है चेयरमैन कस्तूरी एंड सन्स, पब्लिशर हिंदू, ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस, ट्रस्टी एशियन कॉलेज। तो अपनी जो जो इन्होंने कंपनियां हैं सबका जिक्र किया है, लेकिन कहीं भी उस कंपनी का जिक्र नहीं किया। अब ये कंपनी क्या करती है कि जो चोर कंपनी है जिसका कहीं जिक्र नहीं है, चोर कंपनी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि चोर कंपनी हुई। क्यों आप पिछले दरवाजे से किस कारण से ये चला रहे हैं, क्या एजेंडा है इस कंपनी का, क्यों नहीं आपने उसमें प्रोफाइल में आपने जिक्र किया जब आपने अपनी सारी प्रोफाइल्स का जिक्र कर दिया। ऐसा क्या करते हैं इस कंपनी के जरिए, क्या आप इसको पब्लिक को नहीं बताना चाहते? तो हम बताना चाहते हैं इस कंपनी के जरिए उन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश रचने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं। द हिंदू फंडिंग करती है ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को द हिंदू फंडिंग करती है। लेकिन अपने नाम से नहीं, दूसरे नामों से चोर कंपनियों के द्वारा TN की बुक एंड जर्नल आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 20 लाख रुपए की फंडिंग करती है। उसका ट्रांजेक्शन आईडी है HO3142876700। आप आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी 20 लाख की डोनेशन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले फिर दी जाती है अप्रैल के अंदर, वो भी खुद नहीं करते हैं राम, अपनी वाइफ के जरिए दिलवाते हैं, क्योंकि खुद करेंगे तो पता लग जाएगा पब्लिक को। 20 लाख की डोनेशन HO4143538177 TCR की एक और डोनेशन है। ऐसी मुझे लगता है कई डोनेशन होगी, ये हमें पता लग गया है। ऐसी कितनी ही डोनेशन आपने आम आदमी पार्टी को दी है, और आप एक मीडिया हाउस चलाते हैं या पॉलिटिकल पार्टी के लिए धंधा कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए दलाली कर रहे हैं। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए दलाली करनी है, उनका मुखपत्र चलाना है, तो आप साफ कहिए भैया हम एक पॉलिटिकल पार्टी का मुखपत्र चला रहे हैं, हम एक साजिश के तहत। लेकिन आप मीडिया का मुखौटा पहन के एक साथ तो आप मोदी अपनी न्यूज़पेपर में डेली नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आर्टिकल छापते हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को उससे कमा के फंडिंग करते हैं। ये साजिश नहीं चलने वाली, आपके चेहरे का मुखौटा उतर चुका है, आपके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अब आप पब्लिक को बता दीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर अखबार नहीं है, ये दलाली का अड्डा है। द हिंदू न्यूज़पेपर अखबार नहीं है, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की दलाली कर रही है, ये एक एजेंडा चला रही है, एक प्रोपोगंडा कर रही है। और हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि पत्रकारिता को बदनाम मत करिए। इस देश में ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता की खातिर अपनी जान दी है। इस देश में ऐसे पत्रकार थे इमरजेंसी के टाइम भी वो नहीं झुके थे। इस देश में ऐसे पत्रकार थे कि उस समय इमरजेंसी के टाइम उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्रकारिता से समझौता नहीं किया, आपकी तरह दल्लागिरी दलालीगिरी नहीं की। हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब अब आपके चेहरे के बेनकाब हो गए हैं तो आप बता दीजिए लोगों को कि ये 40 लाख रुपए जो फंडिंग की, ये तो आपके एक्सपोज हो चुके, इसके अलावा आपने और कितना कितना पैसा आम आदमी पार्टी को दिया,
या किसी और भी पार्टी को दिया जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश की। ऐसे कितने एनजीओ को आपने और पैसा दिया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अब आप इसका भी खुलासा, दुनिया का खुलासा करते हैं, ये भी अपने अखबार में छाप दीजिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो लोग दलाली करते हैं वो आधी पत्रकारिता दिखाते हैं, और मुझे उम्मीद नहीं है आप ऐसा करेंगे, लेकिन आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और मैं अपने जो व्यूअर्स है जो नमो पत्रिका के, उनसे हम वायदा करते हैं कि ये सिर्फ पहला खुलासा नहीं है, इस तरह के आगे के खुलासे हम करते रहेंगे। आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।